नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए UGC नेट एजुकेशन पेपर टू और पेपर फर्स्ट का ऑनलाइन कोर्स लेके आए हैं, तो उसी क्रम में आज आपको एक डेमो क्लास देनी थी और आपके द्वारा कुछ प्रश्न आए थे, उनका उत्तर भी देना था। तो मैं जो आप लोगों के प्रश्न आ रहे थे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कॉल के माध्यम से आप पूछ रहे थे, तो उन बच्चों को तो मैंने कॉल पे बता दिया था, इसलिए मैं सभी बच्चों को बता भी देना चाहता हूँ कि जो उनके द्वारा प्रश्न आ रहे हैं। तो उन प्रश्नों से शुरू करता हूँ। जो पहला प्रश्न था बच्चों का, वो ये आ रहा था कि सर फीस का हमको समझ नहीं आ रहा है। तो उसमें सीधी सी बात थी, अभी फर्स्ट पेपर की 1000 रुपये फीस है। फर्स्ट पेपर के बारे में तब बताऊँगा जब फर्स्ट पेपर पढ़ाऊँगा, अभी सेकेंड पेपर पढ़ा रहा हूँ। तो हम एजुकेशन का जो आपको है सेकंड पेपर दे रहे हैं, ये हम आपको जो दे रहे हैं, ये पेपर हम आपको दे रहे हैं 7000 रुपये में, ठीक है। इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर प्लस सेकंड पेपर, ठीक, सेकंड पेपर एजुकेशन का इसी 7000 में आपको मिल जा रहा है। और जो ये 7000 रुपये हैं आपको एक साथ नहीं देना है, आप चाहें तो एक साथ दे सकते हैं, लेकिन भाई क्योंकि हमें पता है बच्चों के साथ कई समस्याएं होती हैं, बच्चे नहीं दे पाते हैं एक साथ इकट्ठे पैसा, तो हमने क्या किया है कि इसको दो भागों में देने के लिए आप लोगों की दो किस्त लगा दी है। आप पहला पैसा जब आप एडमिशन लेते हैं 3500 रुपये उस समय दे सकते हैं, और 3500 रुपये आप देंगे अपने एडमिशन के 45 डेज बाद, ठीक है। जब आप एडमिशन ले लेंगे उसके 45 दिन बाद आपको जो दूसरे अपने 350 रुपये हैं देने हैं, वो इतने समय बाद देने हैं। तब तक आपका लगभग 45 दिन में आपका आधा सिलेबस भी हो गया होगा लगभग। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो हमारा कोर्स है उसकी अवधि क्या होगी, क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। तो क्लास की टाइमिंग क्योंकि आपको यूट्यूब के माध्यम से दी जा रही है क्लासेस, तो क्लास की टाइमिंग एक फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, इसमें थोड़ा लचीलापन रहेगा। आपके पास वो क्लासेस रहेंगी, आप कभी भी उनको देख सकते हैं, लेकिन जो लाइव क्लासेस होंगी वो ज़्यादातर शाम के समय होंगी, ठीक है, ये शाम के टाइम होंगी। और जब बच्चों का ग्रुप बन जाएगा तो उनसे पूछ लिया जाएगा कि वो किस समय पढ़ने में उनको सुटेबल है, उस समय पर लाइव क्लासों में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक। और जो कोर्स की आपकी अवधि होगी वो लगभग 4 से 5 महीनों की होगी, 4 से 5 महीने की कोर्स की अवधि होगी। इनमें क्या है कि आपका कोर्स पूरा करा दिया जाएगा, 4 से 5 महीनों में आपका कोर्स करा दिया जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि UGC नेट का भी इसी सेशन का पेपर नहीं हुआ है, तो अगला सेशन मे बी जनवरी तक जाने की उम्मीद है। तो जब हम दिसंबर तक लगभग हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो जो जनवरी का महीना या फिर जितना भी समय हमारे पास एक्स्ट्रा बचेगा उसमें हम रिवाइज करेंगे और बार बार जो हमारे प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे और डीप अपने कॉन्सेप्ट जो भी हमारे हैं UGC नेट के उनमें और डीप जाएंगे, ताकि जब आपके सामने एजुकेशन का पेपर आए तो आप उसमें लगभग 75 से 80 क्वेश्चन सही कर पाएँ। एजुकेशन के सेकेंड पेपर में 75 to 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारा पूरे कोशिश रहेगी कि हम आपको इन्हीं 6 महीनों में नेट क्लियर करा के आपका दें, ठीक। और बहुत सारे बच्चों का ये मैसेज आ रहा था कि सर आपका जब कंप्लीट था तो उसमें कोर्स की अवधि लाइफ टाइम थी। जी, अभी भी कोर्स की जो अवधि रहेगी वो लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है। कोर्स की वैधता, कोर्स की आपकी वैधता है वो क्या है आपकी, जब तक नेट परीक्षा पास ना हो। तो जब तक आप नेट की परीक्षा पास नहीं होते हैं तब तक इस कोर्स की अवधि आपकी रहेगी, यानी कि ये कोर्स आपके पास रहेगा तब तक। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय समय पे अपडेट होता रहेगा, आप हमसे जुड़े हैं और आपका नेट निकलवाना हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। तो इन चीज़ों के बारे में आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है,
अगला एक बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि सर डाउट क्लियर हमारे कैसे होंगे अगर रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी। तो जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप के लिए हमने आपको दो नंबर दिए थे पहले, 7088 77 6 46, ठीक, ये नंबर था। और जो दूसरा नंबर था आपको जो दिया था वो था 7017453390, ठीक है। इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो इन नंबरों से आपका ग्रुप बना दिया जाएगा और उस ग्रुप की सेटिंग प्रत्येक शनिवार के दिन उस ग्रुप की एक सेटिंग खोल दी जाएगी। आपके कोई भी डाउट होंगे आप वहां पे डाल देंगे। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीक में आपकी क्या होगी कि डाउट क्लियर एक सेशन हो जाएगा जिसमें आप लोगों के द्वारा डाले गए प्रश्नों का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक। इसके बाद भी आपके अगर मन में कोई प्रश्न रह गए हों तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबरों पे और हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट करके यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, अन्यथा आप इन नंबरों पे भी संपर्क कर सकते हैं। सो आज ज़्यादा देर ना करते हुए ये मैंने आपको कुछ बातें बतानी थी ये बता दी, बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहे थे। अब ज़्यादा इस पे बात ना करते हुए क्योंकि धीरे धीरे आप लोग इन चीज़ों को जान जाएंगे, हम बढ़ते हैं अपने कोर्स की ओर को, जो आज हमारी पहली क्लास है। और इसमें हम देख रहे हैं आज एक पाश्चात्य दार्शनिक फिलोसफर को जिनका नाम है पाओलो फ्रेरे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या इनका दर्शन था और इन्होंने शिक्षा जगत में अपने क्या विचार दिए हैं। ये नया जुड़ा है तो इससे प्रश्न आने के चांसेस भी बहुत हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इनकी कुछ किताबें भी कई इम्पोर्टेंट हैं। तो जो इनका अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म था वो 19 सितंबर 1921 को हुआ था और 2 मई 1997 को इनका निधन हुआ था। जन्म हुआ था इनका ब्राजील में, और जो इनका निधन था वो हुआ था साओ पाओलो में। ये रही बात। अब इसमें इनके वहां जाने से पहले मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि क्या था। जब इनका जन्म हुआ सन 1921 में ब्राजील में, उसके तुरंत बाद क्या था कि ब्राजील में शेयर मार्केट की वजह से मंदी आ गई थी 1930 के आसपास, और इनके पिता का निधन भी हो जाता है। तो कोई पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी थी नहीं, तो इनकी माँ के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है कि भाई इनको पढ़ाया लिखाया कैसे जाए। तो इनकी माँ बहुत प्रयास करती हैं और ऐसे विद्यालय ढूंढती हैं जहाँ कि उनको ज़्यादा पैसा ना देना पड़े या फिर फ्री में बच्चे को एजुकेशन मिल जाए। तो एक समय ऐसा आता है कि उनको वो एक स्कूल मिल जाता है और ये उस स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। और जो वो स्कूल होता है वहाँ पे उसकी ये शर्त होती है कि बच्चे को तभी एडमिशन मिलेगा जब उसकी पढ़ने लिखने में रुचि हो। जब इनको ले जाया जाता है तो ये जो भी टेस्ट या परीक्षा उनकी ली जाती होगी उसे पास कर लेते हैं और इनको स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। इस तरीके से इनकी प्राथमिक शिक्षा होती है। उसके बाद हायर शिक्षा जो है इनकी, हायर एजुकेशन, वो ब्राज़ील में ही कई विश्वविद्यालयों में ये मनोविज्ञान की और फिलॉसफी की, लॉ की, कई चीज़ों में शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये रैफिक विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं और रैफिक विश्वविद्यालय में ही ये सांस्कृतिक प्रसार अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और वहीं से इनके जीवन में क्या होता है, एक बदलाव आता है, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो इन्होंने गरीबी देखी होती है, ये गरीबी को भली भांति समझते हैं। तो इन्हें लगता है कि भाई जो गरीबी है उसका कारण निरक्षरता है और निरक्षरता का कारण गरीबी है। तो ये
शपथ लेते हैं कि मैं इन दोनों को मिटाकर रहूंगा, और इसी क्रम में ये क्या करते हैं, एक आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं उसी रैफिक विश्वविद्यालय से। और यहाँ पे क्या करते हैं कि 300 गन्ना मजदूर होते हैं, उनको साक्षर करने का या उनको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, और लगभग 45 डेज में उनको पढ़ा लेते हैं। लेकिन उसी दौरान क्या होता है कि ब्राज़ील में सेना का शासन स्थापित हो जाता है, और ये एक आंदोलन चला रहे होते हैं, तो सेना को अच्छा नहीं लगता है भाई कि हमारे रहते हुए कोई इस तरीके का आंदोलन चला रहा है, तो इनको जेल हो जाती है, और कुछ समय बाद इनको देश निकाला दे दिया जाता है। और उसके बाद ये चले जाते हैं चिली। जब ये वहाँ चिली चले जाते हैं तो सन 1967 में एजुकेशन एस द प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम। उसके बाद जो दूसरी बुक आती है 1968 में, वो है पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। ये है का शिक्षण विज्ञान। ठीक, इस किताब का नाम था दलितों का शिक्षण विज्ञान। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये किताब काफी इम्पोर्टेंट है, दलितों का शिक्षण विज्ञान। इस किताब को इन्होंने लिखा था पुर्तगाली में, और उसके बाद इसको इंग्लिश और स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश दो भाषाओं में इसको छापा गया। और इससे क्या हुआ कि इस किताब के बाद ही इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनको विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त कर लिया गया। और वहीं से क्या हुआ कि इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को आगे बढ़ाया। ठीक, तो अब इन किताबों को आप नोट कर लीजिए, अभी वैसे आगे भी लास्ट में हम इनकी किताबों के बारे में लिखेंगे। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं इनके शैक्षिक चिंतन के बारे में कि किस क्या इन्होंने शिक्षा के लिए कहा, क्या शिक्षार्थी के लिए कहा। अगर अब इनके प्रमुख कार्य देखें, ठीक है, प्रमुख कार्य लिख लो, इस चीज को आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी करते रहना, क्योंकि पेपर के टाइम में कोई किताब काम नहीं आती है, पेपर के टाइम में काम आते हैं आपके सिर्फ अपने नोट्स। ठीक, प्रमुख कार्य इन्होंने किया दलितों की शिक्षा के लिए। दलितों की शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत काम किया, और इन्होंने दो शब्द दिए। पहला शब्द जो दिया इन्होंने वो दिया हमारा ऑपरेशर्स। ठीक, ऑपरेशर्स इसका अर्थ था दमनकर्ता। ठीक, और दूसरा जो शब्द दिया वो दिया ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड इसका अर्थ था दलित। तो जो इनका शिक्षण, इनका शैक्षिक दर्शन है, वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही था, कि जो इन दोनों के बीच में गहरी खाई है, या इन दोनों के बीच में जो दो वर्गों के बीच में समाज विभाजित है, वो इसे खत्म करना चाहते थे। ठीक, वो इस लाइन को मिटाना चाहते थे, और उनकी जो शैक्षिक दर्शन है वो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है। ठीक, ये दो शब्द आप याद रखिएगा, ऑपरेशर्स और ऑपरेस्ट। ठीक, इसी पे इन्होंने बुक लिखी थी जो अभी हमने पढ़ी, वो बुक भी इन्होंने दलितों का शिक्षण शास्त्र इसी शब्द को लेके लिखी थी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इनका देखते हैं हम शैक्षिक चिंतन, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो
हम देखते हैं इनका शैक्षिक चिंतन, ठीक, जो इनका जो शैक्षिक चिंतन था वो क्या था, प्लेटो की विचारधारा के विपरीत, ठीक, प्लेटो की विचारधारा के विपरीत था। और औपनिवेशिक विचारधारा जो थी उसके भी विपरीत था, लेकिन मार्क्सवाद जो था ठीक मार्क्सवाद पे इनका विश्वास था। जिस तरीके से मार्क्सवाद समाज में दो तरीके के वर्ग बताए थे, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, दो तरीके के वर्ग बताए थे, उसी तरीके से इन्होंने भी दो तरीके के बताए। एक दमनकर्ता हैं जो, ठीक, जिनको हम ऑपरेसर से कह रहे थे सर्स, और एक दूसरे जो हमारे हैं वो हैं दलित, ठीक, जो कि ऑपरेस्ड, ठीक। तो इन दोनों के बीच में ही इनका जो है शैक्षिक दर्शन इन्होंने दिया था। अगर अब आपसे प्रश्न आ जाता है कि पावले फेरे का जो शैक्षिक दर्शन है वो मार्क्सवाद पे विश्वास करता है, ठीक हो जाएगा, वो अपने उपनिवेशिक विचारधारा के विपरीत है, वो प्लूटो की विचारधारा के विपरीत है, ठीक। और उसमें बात किसकी हुई है, उसमें दमनकर्ता की और दलितों की, ऑपरेसर्स और ऑपरेस्ड की बात हुई है, ये ठीक हो गया। ये है इनका शैक्षिक चिंतन, ठीक। और ये शिक्षा कैसी चाहते थे, ये शिक्षा ऐसी चाहते थे, ये चाहते थे कि शिक्षा इस प्रकार हो कि जो दलितों के आत्मविश्वास में वृद्धि कर सके, ठीक, शिक्षा कैसी हो जो दलितों के आत्मविश्वास में वृद्धि कर सके। ये क्या था कि ये इनका शैक्षिक चिंतन के कुछ पक्ष हैं, इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखेंगे कि इनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या थी, ठीक है। शिक्षा ये किसे कहते हैं, ये कहते थे प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो अपने कार्य को कोई आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, ठीक, कार्य, इसको ऐसे समझते हैं, कार्य आवश्यकता की पूर्ति। अब इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, करता है पर्यावरण से अंतःक्रिया, ठीक, और उस पर्यावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप, ठीक, जो उसे प्राप्त होती है वो शिक्षा है। ये पावलो फेरे कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी कार्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है जिसके द्वारा उसको शिक्षा की प्राप्ति होती है। क्योंकि जो ये पर्यावरण से अंतःक्रिया है इसके फलस्वरूप उसको कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं, ठीक, अनुभव प्राप्त होने से उसके क्या होता है, ज्ञान में होती है वृद्धि, ठीक। और जैसे जैसे क्या होता है, बच्चा बड़ा होते जाता है तो वैसे वैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, और जब उसकी आवश्यकताएं बढ़ती रहती हैं तो वैसे वैसे वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण से अंतःक्रिया करते रहता है, उसको अनुभव प्राप्त होते रहते हैं और उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है और उसको शिक्षा प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार क्या है, शिक्षा जीवन भर चलती रहती है,
ये बात समझ में आई आपको कि पावलो फेरे जो हैं वो कहते हैं कि जो प्रत्येक मनुष्य है वह अपने कार्य किसी आवश्यकता के कारण करता है, प्रत्येक कार्य को किसी आवश्यकता के कारण करता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अपने आसपास मौजूद चीज़ों से कोई अंतःक्रिया करता है। उस अंतःक्रिया के फलस्वरूप उसे अनुभव प्राप्त होते हैं, जो अनुभव उसके ज्ञान में वृद्धि करते हैं और उसे शिक्षा की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होते रहता है उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं और उन्हीं बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए वो पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, उसको अनुभव प्राप्त होते हैं और इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। ठीक, तो ये थी पावलो फेरे के अनुसार शिक्षा। इसको आप कॉपी में इस तरीके से या आपको जिस रूप में समझ में आता है उस रूप में बना के लिख लीजिए। देखते हैं शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने चार उद्देश्य दिए शिक्षा के। जो पहला उद्देश्य इन्होंने दिया था वो दिया था मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास। ठीक, मनुष्य में मानवीय, क्योंकि ये मानव, ये मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं। ठीक, तो इनमें क्या था कि इनका जो पहला था मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। ये कहते हैं भाई समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, बटा नहीं होना चाहिए, सभी के लिए प्रेम भाव होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। ठीक, दूसरा ये जो बताते हैं, ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक गुणों का विकास बालक में जो क्या हो कि लोकतांत्रिक गुणों का विकास हो, भाईचारे का विकास हो, सहयोग की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो। इसके तीन फैक्टर इन्होंने बताए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी पूछ सकता है, इसमें देख लेते हैं। पहला है कृता, दूसरा है समानता और जो तीसरा है वो है भाईचारा। ठीक है, यानी कि ब्रदरहुड। ठीक, इन तीन फैक्टरों की इन्होंने इसमें लोकतांत्रिक गुणों में बात करी है कि इन गुणों का विकास होना चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का। उसका जो अगला है, ये कहते हैं तीसरा जो इन्होंने उद्देश्य बताया है वो उद्देश्य है कि विभिन्न जो समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना। ठीक, समाज में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, कहीं चिकित्सक चाहिए, कहीं डॉक्टर चाहिए, कहीं टीचर चाहिए, कहीं अच्छे कृषक चाहिए। तो ये कहते हैं कि समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना, हमको योग्य व्यक्ति चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि वो योग्य व्यक्ति हमको मिले। ठीक, चौथी जो ये बात करते हैं वो कहते हैं कि उद्योगों के लिए कुशल कामगार व तकनीशियनों तकनीशियनों का निर्माण। इस तरीके से इन्होंने चार उद्देश्य बताए। इन्होंने कहा कि मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए, लोकतांत्रिक गुणों का विकास होना चाहिए, समाज की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए योग्य व्यक्ति प्राप्त होने चाहिए और उद्योगों के लिए कुशल कामगार और तकनीशियनों का निर्माण होना चाहिए। यानी कि ये व्यावसायिक शिक्षा के भी कहीं ना कहीं पक्षधर थे। यहाँ इस पॉइंट से हमको
पता चल रहा है। ठीक, समाज के लिए जब विभिन्न आवश्यकताओं की बात करते हैं तो सामाजिकता की भी बात कहीं ना कहीं ये कर रहे हैं, सामाजिक मूल्यों की बात भी कर रहे हैं, लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों की भी ये बात कर रहे हैं। ये हमें शिक्षा के उद्देश्यों से समझ में आता है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने पाठ्यक्रम के लिए, शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए क्या कहा है, किस तरीके के शैक्षिक पाठ्यक्रम की ये बात करते हैं कि शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरीके का होना चाहिए। वैसे ये पाठ्यक्रम इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे उत्तर पूछा नहीं जाएगा। पाठ्यचर्या होगा, शिक्षा की पाठ्यचर्या। इन्होंने शिक्षा की क्या पाठ्यचर्या दी थी, तो जब इन्होंने कहा कि भाई जो पाठ्यचर्या को बनाए वो कौन लोग हों, वो वैज्ञानिक हों, ठीक, वैज्ञानिक हों, गणितज्ञ हों, गणितज्ञ हों, दार्शनिक हों और शिक्षक हों। ठीक, इन्होंने कहा कि जो हमारा पाठ्यक्रम बने या पाठ्यचर्या जो हमारी बने वो किनके द्वारा बननी चाहिए, इनके सहयोग से विकसित होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम में जो ये विषयों की बात करते हैं तो ये कहते हैं ईसाई धर्म की शिक्षा, ठीक, ईसाई धर्म की शिक्षा, मार्क्सवादी विचार, समाजवादी विचार, ठीक, और कला, कृषि, चिकित्सा, विज्ञान एवं तकनीकी आदि चीजों को ये क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में इन चीजों को समाहित होना चाहिए। इससे ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इससे ऐसे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन जो बनेगा वो कहीं शिक्षण विधियों से बनेगा, जो हम अगला देख रहे हैं कि इनके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां कौन सी थी, इन्होंने शिक्षण विधियों के संबंध में जो बात कही है वहां से आपका प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न तो ये बन सकता है इनसे कि जो पाउलो फ्रेरे थे ये क्या कहते हैं, इन्होंने किस तरीके की शिक्षा पर जोर दिया है, तो भाई इन्होंने दलित शिक्षा पे जोड़ दिया है, ठीक है, समाजीकरण पे, मार्क्सवादी विचारधारा पे, ठीक, वो क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से अगर सेलेक्ट करने को आएगा तो आ जाएगा और सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा, तो इन्होंने दलितों की शिक्षा पे विशेष रूप से और निरक्षरता उन्मूलन पे विशेष रूप से कार्य किया है। ठीक, अब हम देखते हैं इनकी शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ इन्होंने कौन सी दी, ये इम्पोर्टेंट भी है, इसको देखना, ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक, तो इसमें जो इन्होंने पहली दी वो दिया बैंकिंग कॉन्सेप्ट। ठीक, पहला इन्होंने दिया था बैंकिंग इसमें ये कहते थे कि जो बच्चा है, जो बालक है हमारा, बालक क्या है, शून्य अकाउंट है। ठीक, और जो शिक्षक है उसको क्या करना है, इसको भरना है, बालक रूपी अकाउंट को शिक्षक को भरना है। ठीक, तो इस विधि को इन्होंने क्या कहा, इस विधि को इन्होंने कहा बैंकिंग कॉन्सेप्ट। प्रश्न आ सकता है कि बैंकिंग कॉन्सेप्ट से कौन संबंधित है, या बैंकिंग कॉन्सेप्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो बालक एक शून्य अकाउंट है और शिक्षक उसको भरता है, ये पाउलो फेरेरे ने दिया था। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। जो इन्होंने दूसरा जो इन्होंने दिया था वो दिया था इन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल
क्रिटिकल पेडागॉजी, ठीक। इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये होगा आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, या इसको इस तरीके से क्रिटिकल शिक्षण, ठीक, क्रिटिकल शिक्षण भी कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता है, क्रिटिकल शिक्षण भी लिखा होता है, आलोचनात्मक शिक्षण भी लिखा होता है और क्रिटिकल पेडागॉजी भी लिखा होता है। तो ये देख लेंगे। तीसरा जो इन्होंने, तीसरी जो इन्होंने हमें विधि दी थी वो दी थी ये जॉन लॉक से, बहुत प्रभावित थे इसमें, और इन्होंने दी थी हमको जो तीसरी दी थी वो दी थी सोशल सोशल इंटरेक्शन, यानी कि ये थी सामाजिक अंतःक्रिया। जॉन डेवी कहते थे जो हमारा बच्चा है वो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, तो यही भी उसी के पक्षधर थे और इन्होंने भी सोशल इंटरेक्शन को एक शिक्षण विधि के रूप में माना है। नंबर जो चार पे आती है तो इन्होंने यहाँ व्याख्यान विधि और व्याख्यान विधि और स्वाध्याय विधि, एक स्वाध्याय विधि को इम्पोर्टेंस दी है, ठीक। और एक बड़ी इम्पोर्टेंट विधि जो इन्होंने दी थी वो थी आपकी, मिटा देते हैं, अगर आपने नोट कर लिया होगा इसको, इसको मिटा देते हैं, उत्पादक शब्द विधि, पांचवे नंबर की थी उत्पादक शब्द विधि, ठीक। तो इसको, इसमें क्या था, प्रोडक्टिव वर्ड, ठीक, प्रोडक्टिव वर्ड मेथड्स। तो इसमें क्या था, जब अभी हम, मैंने पहले बात करी थी आपसे उस समय भी मैंने कहा था कि इन्होंने कुछ गन्ना मजदूर थे, 300 गन्ना मजदूर, उनको सिखाने के लिए भाषा का प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था, उत्पादक शब्द, इन्होंने कुछ ऐसे शब्द बनाए जिनके द्वारा कि पढ़ाई लिखाई सिखाई जा सकती है, कुछ ऐसे शब्दों का चयन किया जिसके सहायता से पढ़ना लिखना सिखाया जा सकता है। तो उत्पादक शब्द विधि थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, ये पेपर में प्रश्न आ सकता है तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये पांच तरीके की इन्होंने विधियां बताई थी। अब हम बात करते हैं पावले फेरे के अनुशासन की, कि क्या इनका अनुशासन रहा, ये किस तरीके के। तो इनके जो पिता थे वो सेना में थे, और इन्हें भी क्योंकि जेल हुई थी, देश निकाला हुआ था, तो ये दमनकारी जो अनुशासन था उससे भलीभांति परिचित थे भाई, कि किस तरीके से दमनकारी अनुशासन किया जाता है। तो ये उसके तो पक्षधर कभी हो नहीं सकते ना, तो ये किसके पक्षधर थे, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक अनुशासन के ये थे पक्षधर थे, ठीक। इसमें इतना ही है, इससे अगर आ गया तो इतना ही आएगा, बाकी कुछ आएगा नहीं। ये इस तरीके से आ सकता है कि पावलो फेरे के शैक्षिक दर्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, और उसमें नीचे आपको जोड़े बनाने होंगे, तो उसमें ही आ सकता है। इसके अंतर्गत जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता और समानता और भाईचारे तीन गुण होने अनिवार्य थे, तो उसी तरीके के अनुशासन की ये बात करते हैं, ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी और शिक्षक कैसा हो, शिक्षार्थी और शिक्षक, ठीक, तो ये कैसे हों। तो इन्होंने जब स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी तो वहाँ किसी के सहयोग से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, और उसी वातावरण से इन्होंने सीखा था कि जो शिक्षा है वो सहयोग और प्रेम से होनी चाहिए। तो ये कहते हैं कि जो शिक्षक है उसके बीच में प्रेम और सहयोग, ठीक, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में प्रेम और सहयोग का संबंध होना चाहिए, ठीक, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में
प्रेम और सहयोग का संबंध होना चाहिए कि विद्यालय कैसा हो। तो ये विद्यालय के संबंध में ये कहते हैं कि जो विद्यालय है वो हमारे, क्योंकि विद्यालय जो है वो संस्कृति के वाहक हैं, संस्कृति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो हमारे विद्यालय ऐसे होने चाहिए कि वो भेदभाव रहित संस्कृति के वाहक हों। ठीक, विद्यालय कैसे हों कि भेदभाव रहित संस्कृति के वाहक हों, क्योंकि इन्होंने अपने समय में देखा कि समाज में क्या था कि दलित वर्ग और दमनकर्ता वर्ग के रूप में बटा हुआ था। तो इन्होंने कहा जो हमारे विद्यालय हैं, जो हमारे स्कूल हैं, कैसे होने चाहिए, वो भेदभाव रहित संस्कृति के वाहक होने चाहिए। उसके अलावा इन्होंने जन शिक्षा की बात करी है। ठीक, जन शिक्षा की बात करते हैं, ये कहते हैं भाई स्त्री और पुरुष, ठीक, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं। ठीक, व्यवसायिक शिक्षा, क्योंकि जब हम शैक्षिक उद्देश्य पढ़ लेते हैं, इन्होंने कहा कि भाई कुशल कामगार होने चाहिए, तकनीशियन होना चाहिए, तो व्यवसायिक शिक्षा की बात करते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है इनके उसमें है वो धार्मिक शिक्षा है, उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा में, क्योंकि ये धार्मिक व्यक्ति थे खुद भी, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ज़्यादा कुछ मैं इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ही आपने पढ़ना है, और पेपर में अगर हम सारा कुछ लिखा देंगे तो वो तो किताबों में भी लिखा है, आप किताब में भी देख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिट्टो प्रश्न नहीं आना है। वहाँ पे जो प्रश्न आना है वो आपकी सोच के ऊपर आना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आना है। जब आप इसको समझ पाओगे, इनके चिंतन को, तभी जाके उस प्रश्न को कर पाओगे। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ते हुए जाना है, और जितना मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ उस चीज़ को लिख लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जितना मेरा अनुभव कहता है पिछले 4 या 5 सालों में। ठीक, तो धार्मिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा वो हम देखते हैं। ये स्वयं भी एक धार्मिक व्यक्ति थे, तो इन्होंने भाई ईसाई शिक्षा को तो ये पाठ्यक्रम में स्थान देते हैं, यानी कि पाठ्यचर्या। ठीक, जो पाठ्यक्रम शब्द है वो रूढ़ हो चुका है करिकुलम के लिए, तो बार बार हमारे मुंह से भी वही निकल जाता है, लेकिन उसके लिए जो सही शब्द है वो है पाठ्यचर्या। तो पाठ्यचर्या को, ईसाई शिक्षा को पाठ्यचर्या में, और ये देते हैं कि ये शुरू से होनी चाहिए। ठीक है, शुरू से यानी कि प्राथमिक स्तर से। ठीक, प्राथमिक स्तर से ही क्या होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ये ऐसी धार्मिक शिक्षा के विरोधी हैं, लिख लेते हैं इसको, ऐसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए जो वर्ग भेद को बढ़ावा देती हो। ठीक है, ये इस शिक्षा के समर्थक नहीं है। और इसके संबंध में इन्होंने एक कथन भी दिया है जो कि इम्पोर्टेंट शब्द दिया है, वर्ग भेदी छिपा चिंतन। ठीक, या दर्शन दिया है इन्होंने, जो शब्द दिया था दर्शन दिया है। ठीक, वर्ग भेदी छिपा दर्शन, इसको संबोधित किया इन्होंने कि जो दलितों की स्थिति है, दलितों की स्थिति के लिए का भाग्य, उनका भाग्य वो ईश्वर जिम्मेदार है। ठीक, इनके समय में समाज में ऐसी कोई बात प्रचलित थी या अभी भी आप देख सकते हैं आज के समाज में भी है कि जो दलितों की स्थिति है या गरीबों की जो स्थिति है वो उनका भाग्य और ईश्वर ने उनको दिया है, इस तरीके की मान्यता है। तो इस बात के ये विरोधी थे, और इस बात के लिए इन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है, जो शब्द है वर्ग भेदी छिपा दर्शन। ठीक, ये देख लेना, अगर वर्ग भेदी छिपा दर्शन से कोई प्रश्न आता है और किसके संबंध में है, तो ये दलितों की स्थिति, उनके भाग्य वो ईश्वर जिम्मेदार है, इसके संबंध में है, और ये पाओलो फेरेरे ने दिया था। ठीक, यहाँ तक ठीक हो जाता है।
अब हम देखेंगे कि इनका जो है शिक्षा पे, अभी हमने देखा कि इनका शैक्षिक चिंतन क्या है, तो हम देखेंगे कि शिक्षा पे इनका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक, कि शिक्षा पे प्रभाव क्या पड़ा इनका। अगर हम प्रभाव की बात करें तो जब ये जीवित थे तभी इनका जो था प्रभाव शिक्षा जगत में पड़ गया था, जब इनकी जो बुक आई थी जो कि मैंने बताई थी, पेडागोगी पेडागोगी ऑफ ऑपरेस्ट ऑपरेस्ट। ठीक, जो ये बुक आई थी 1968 में, इसका क्या था, दलितों का शिक्षा विज्ञान। जो ये बुक थी, इस बुक से इनको इतनी प्रसिद्धि मिली। और मैंने बताया था कि जैसा कि ये बुक जो थी पहले पुर्तगाली में लिखी थी इन्होंने, और उसके बाद इसको इंग्लिश में और स्पेनिश में इसको अनुवाद किया गया था। तो ये कई देशों में इसका प्रसार हुआ और लोग इससे प्रभावित हुए, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने कई सारी चीज़ें लिखी थी, जो कि जैसा अभी आपको मैंने बताया कि जो छिपा हुआ चिंतन वाली बात है वो भी इसी किताब के अंदर का हिस्सा है। जो वर्गभेदी छिपा हुआ दर्शन की ये बात करते हैं वो इसी किताब का हिस्सा है, और इसी किताब से वो निकला है। तो उससे कई लोग प्रभावित हुए और इस दिशा में कई काम होने लगे, दलितों की शिक्षा और निर्धनों की शिक्षा, गरीबों की शिक्षा, निरक्षरों को साक्षर बनाना आदि, इस पे कई काम होने लगे। ठीक, उसके बाद सन 1991 में पालो फेरे संस्थान, पालो फेरे संस्थान की भी स्थापना की गई, जो इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। और ये पाओलो फेरे जो संस्थान है ये साओ पाओले में स्थित है, साओ पाओले, ठीक, साओ पाओले में स्थित है ये। उसके बाद इनके निधन के बाद सन 1999 में यूके में एक पाओलो करके, ना, PAULO पाओलो करके एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला गया। ठीक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान खोला गया, यानी कि NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक, ये खोला गया यूके में 1999 में, जिसका काम क्या था, सेवारत लोगों को प्रशिक्षित करना। ठीक, तो ये इसका काम था, वो था सेवारत लोगों को प्रशिक्षित करना, और ये काम को ये आज भी कर रहा है। ये इनके शिक्षा में प्रभाव थे, आज भी इनके कई जो विचार हैं वो शैक्षिक रूप से प्रभावी हैं और योग्य हैं कि उनको हमको शिक्षा में लेना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारा समाज, अगर आप देखेंगे तो व्यवहारिक रूप से बटा हुआ ही है ना, और अब तो कई भागों में बटा हुआ है। तो हमको इनके विचारों से शिक्षा लेनी चाहिए और वर्गभेद को समाप्त करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कुछ बुक्स, हम देख लेते हैं कि जो इनकी किताबें आई थी वो कुछ बुक्स देख लेते हैं। सबसे पहली बुक्स जो थी वो तो हमने देखी है, जो सबसे पहली बुक थी वो थी एजुकेशन एज द एजुकेशन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम, ये आई थी 1967 में। दूसरी आई थी इनकी पेडागॉजी ऑपरेस्ट, ये आई थी 1968 में।
तीसरी की बुक है वो आई थी कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम, कल्चर एक्शन फॉर फ्रीडम, ये कब आई? ये बुक आई इनकी 1970 में। एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस, ठीक, ये कब आई इनकी बुक? 1973 में। नंबर 5, पेडागॉजी ऑफ प्रोसेस, पेडागॉजी प्रोसेस, ठीक, ये कब आई बुक आपकी? 1978 में। जो छठे नंबर पे इनकी बुक आई, छठी जो बुक थी वो आई द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, द पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन, ये बुक आई इनकी 1985 में। सातवें नंबर पे जो इनकी बुक आती है वो आती है अ पेडागॉजी फॉर लिबरेशन, ठीक, और इस बुक का जो सन है वो है 1987। ये आपने नोट कर लिया होगा या फिर आप नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी। 8वीं जो इनकी बुक है वो है पेडागॉजी ऑफ द सिटी, पेडागॉजी ऑफ द सिटी, ठीक, ये है 91 में, 1991। 9 नंबर की जो बुक है वो है पेडागॉजी ऑफ होप, ठीक, पेडागॉजी ऑफ होप, ये है 1992 में। दसवीं नंबर की जो इनकी बुक है वो है पेडागॉजी ऑफ फ्रीडम, ये है 1996 में। और जो 11वीं इनकी बुक है वो है पेडागॉजी ऑफ हार्ट, ये है 1997 में। ठीक, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बुक। इसमें जो पेडागॉजी ऑफ ऑपरेश डे है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आज आपकी क्लास, डेमो क्लास, और बाकी आगे अब नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।